पर मुझे कहा था कि तुम्हारा नाक, तुम्हारे हेयर, तुम्हारे तुम्हारा स्टाइल सब सब शाहरुख की तरह है। तो मैंने उस वक्त से तहिया कर लिया था। ये मैंने अहद किया था कि मैं एक दुनिया का सुपरस्टार बनूंगा जैसे हमारा किंग शाहरुख है। अच्छा, अगर शाहरुख खान आपको अपनी फिल्म में काम करने का मौका दे तो आप उसको रिजेक्ट तो नहीं करेंगे? मैं देखें, अपने सुपरस्टार को कभी रिजेक्ट मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि फैन के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि स्टार उसको उसको अपनी फिल्म में काम करने का मौका दे, और अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, अब पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आपको लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर शाहरुख खान आपको देख रहे हैं तो उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे? उनके किसी डायलॉग के जरिए, दीवाना, डर, बाजीगर, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, किसी भी फिल्म का डायलॉग बोल के दिखा दें जरा। देखें, मैं उनको पैगाम बस यही देना चाहूंगा कि कभी कभी कुछ खोने के लिए, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है। बाजीगर फिल्म का कोई डायलॉग? बाजीगर का ओके, कहते हैं बाजी, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ओके, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और उस हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कारीगर, कारीगर, बाजीगर, कारीगर नहीं, बाजीगर कहते हैं। अच्छा, अब कल हो ना हो का या कोयला फिल्म का कोई डायलॉग? कोयला का, मगर मैं तेरी जिंदगी के एक एक सांस मौत के बाजार में बेच कर आ रहा हूं। याद कर, चंद हीरों के टुकड़ों के खातिर तुमने मेरी माँ और मेरे पिता हरिया ठाकुर का कत्ल किया था तुम लोगों ने। हाँ शंकर, आज से 20 साल पहले तुम्हारी दुश्मनी का बीजा हुआ वो बीज